आज के हम इस ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन। हमने इसे लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था, राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब दोनों वोलेटाइल हो तब राउट लॉ। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर लें और सॉल्यूशन बना लें और वो राउट लॉ को फॉलो करें तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब कैसे पता लगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा या राउट लॉ को फॉलो करेगा? तो राउट लॉ और आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करने की पहली कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरी बात, सब्सटेंस आपस में एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड नहीं होने चाहिए, या फिर कंपाउंड की एक्टिविटी सेम होनी चाहिए या उनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए जरूरी क्या है? उनके अंदर होना चाहिए सेम फंक्शनल ग्रुप और एक्टिविटी। दूसरी बात, अब जब हम इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पेपर पर निकालते हैं तो उसका जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है, उसका जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है वो उसके एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर के बराबर आना चाहिए। इसको सिंपल वर्ड में कैसे समझें कि एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और उसने किसी एग्ज़ाम में 10 मार्क्स लाए, 10 मार्क्स एज्यूम किए और 10 ही आए पेपर में, तो ये आइडियल नंबर है। अगर 10 से कम आ गए तो नेगेटिव डेविएशन होगा और अगर 10 से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, जो रेयरली कभी होता है पॉजिटिव, जनरली न्यूट्रल और नेगेटिव डेविएशन। अब देखते हैं आगे, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? दोनों सब्सटेंस की एक्टिविटी सेम होगी, मतलब ए ए और बी बी की एक्टिविटी सेम होगी। इसका मतलब है हम ए को बी के साथ रखें या ए ए के साथ रखें, सेम एक्टिविटी होगी। सपोज ए ए के बॉन्ड को ब्रेक करने में हमने 10 किलो जूल एनर्जी इसको प्रोवाइड की और बी के बॉन्ड को भी ब्रेक करने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड करी, ठीक है। अब जब ए और बी ने बॉन्ड बनाया तो टोटल 2 मोल्स ने 20 किलो जूल एनर्जी लिबरेट करी, तो बच्चों टोटल सम कितना हो जाएगा? इसका टोटल सम आप देख सकते हैं, 0 आएगा। टोटल सम कितना आएगा? 0। ये क्वेश्चन सीपीएमडी में आ चुका है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच कितनी होगी। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच मिक्सिंग और डेल बी मिक्सिंग की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए दोनों की एक्टिविटी सेम होनी चाहिए, पर एक्टिविटी देखना थोड़ा हार्ड काम है, तो उनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अगर उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं, एन हेक्सेन एक हाइड्रोकार्बन है और एन हेप्टेन भी एक हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ब्रोमो मीथेन में हैलोजन है और क्लोरोमीथेन में भी हैलोजन है, इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और टोलुइन भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब हम चलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। तो हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएं और उनका सॉल्यूशन बनाएं और वो अगर राउट लॉ को फॉलो नहीं करें तो हम कहेंगे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए बी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए ए ए और ए और बी बी की एक्टिविटी सेम होगी, ओके। तो दोनों की एक्टिविटी कैसे सेम होगी? सेम, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, तो ए ए और बी बी की एक्टिविटी सेम नहीं होगी, मतलब जब ए और बी आपस में मिलेंगे तो ए और बी या तो टूट जाएंगे या फिर दोनों जुड़ जाएंगे, इसलिए इनके डेल एच और डेल एक्स मिक्सिंग की वैल्यू, डेल एक्स और डेल वी मिक्सिंग की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। इस तरह आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप के डेविएशन पॉसिबल है। एक डेविएशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन और दूसरी डेविएशन का नाम है
नेगेटिव डेविएशन। तो हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ये ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम में पूछी जाती है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम देखते हैं इसको। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि ये देखो ग्रीन वाली जो डॉटेड लाइन है आइडियल वेपर प्रेशर की लाइन है, पर आप देख सकते हैं ब्लू वाली लाइन ग्रीन डॉटेड लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन लाइन है वो आइडियल लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है ये नॉन आइडियल लाइन। तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर या कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा हो, जबकि नेगेटिव डेविएशन में आप देख सकते हैं ग्रीन वाली लाइन ऊपर है और ब्लू वाली लाइन नीचे है। तो इसमें ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम एक जनरल एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक बच्चे ने एग्जाम दिया 10 मार्क्स एज्यूम करें, अगर 10 ही आ गए तो आइडियल्स, और अगर 10 से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो पॉजिटिव डेविएशन और 10 से कम आ गए तो नेगेटिव डेविएशन। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन कब हो। पॉजिटिव डेविएशन कब होगी, जब किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाने से उसके पार्टिकल बढ़ जाए, मतलब सब्सटेंस टूट जाए। अगर सब्सटेंस टूट जाएगा तो उसके वेपर्स में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल छोटा हो गया तो अब जल्दी से वेपोरेट होगा, जल्दी से वेपोरेट होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। कम कैसे हो जाएंगे, दो पार्टिकल आपस में एसोसिएटेड हो जाएंगे, एसोसिएटेड हो जाएंगे तो उसका मोलर मास बढ़ जाएगा, अगर मोलर मास बढ़ जाएगा तो उसके वेपर्स में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जब कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि सॉल्वेंट अट्रैक्शन इज मोर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। इसका मींस क्या है कि ए के साथ ही रहना पसंद करेगा, बी के साथ ही रहना पसंद करेगा। जैसे ही हम दोनों को मिलाएंगे तो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, मतलब ए और बी के बॉन्ड बनने के चांस बहुत ही कम है, तो सब्सटेंस टूट जाएगा। जबकि इस दूसरी वाली साइड में क्या होगा नेगेटिव डेविएशन में कि ए बी में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना, ए बी का अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के इंडिविजुअल अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा होगा, मतलब दोनों सब्सटेंस आपस में बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखेंगे, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इसमें बॉन्ड टूट जाएगा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल छोटे हो जाएंगे तो मोल्स बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसका डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन में बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हीट रिलीज होगी और वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यह बच्चों आप ऐसे याद रख सकते हो कि पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव होता है और नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिव होता है, सिर्फ एक लाइन है एंट्रोपी जो दोनों में ही इंक्रीज कर जाती है। एंट्रोपी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में ही इंक्रीज करते हैं। हम चलते हैं और देखते हैं। दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच थे, आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन हमने जैसे ही इसमें साइक्लोहेक्सेन डाला, साइक्लोहेक्सेन ने दो एथेनॉल के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो अब दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल जो सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे थे अब दो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, और दो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे तो इनका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। जबकि इस वाले केस में ये एसीटोन का मॉलिक्यूल इस क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल मूवमेंट से आपस में अटैच हो गए, तो अब ये दोनों मॉलिक्यूल सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन।
तो पॉजिटिव डेविएशन देखने का अच्छा तरीका यह है कि CCl4 किसी भी कंपाउंड के साथ मिला हुआ हो, हमेशा पॉजिटिव दिखे, ठीक है। जो दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो है एथेनॉल और H2, दूसरा है एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, थर्ड एग्जाम्पल है बेंजीन और एसीटोन जो हमको याद करने पड़ते हैं, या थर्ड एग्जाम्पल है एसीटोन और, जबकि इसके एग्जाम्पल याद करने का नेगेटिव डेविएशन का आसान तरीका यह है कोई भी एसिड और वाटर हमेशा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म भी हमेशा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा एक्सेप्ट CCl4 के साथ। जब ये CCl4 के साथ में होगा तो फिर ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, अदरवाइज क्लोरोफॉर्म किसी के साथ भी आ जाए, क्लोरोफॉर्म किसी के साथ भी आ गया तो हमेशा हमको दिखाएगा क्या, हमको दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन। सिर्फ कब नहीं दिखाएगा, जब ये, तो मैं यहां पर इसको करेक्ट कर देता हूं कि CCl4 क्या दिखाएगा, तो CHCl3, ठीक है, विद एनी कंपाउंड शो, यहां पर और चेंज करना पड़ेगा नेगेटिव डेविएशन, ओके। तो देखा ये एसिड और ये H2O, तो बच्चों कौन सा डेविएशन, एसिड और H2O नेगेटिव डेविएशन, ये एसिड और क्लोरोफॉर्म कौन सा डेविएशन, नेगेटिव, ठीक है। अगर HNO3 और H2O होता तो कौन सा डेविएशन, नेगेटिव, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन कौन सा, नेगेटिव, क्लोरोफॉर्म और इथर कौन सा, नेगेटिव। तो मैं यहां पर दो और ऐड कर देता हूं और वो है हमारे कौन से, HNO3, HNO3, ठीक है ना, प्लस H2O, तो ये हमेशा दिखाएंगे कौन सा, नेगेटिव।